हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लगाऊंगा आरआरबी पीओ का प्रैक्टिस मॉक का एक लाइव मॉक चल रहा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं लगाया तो आप भी लगा लेना। आज है, कल है और परसों रात 10 बजे तक रहेगा ये, और 2 तारीख तक रहेगा, और इसका रिजल्ट 3 तारीख को आएगा 10 बजे। तो ये लगा लेना, तो मैं भी यही लगाने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है। और आप भी लगा के अपने मार्क्स बताना कि कितने मार्क्स आए, कैसा रहा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, चलो। स्टार्ट करते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, नो सीट इन वैकेंट। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड डी, हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, बी सीट 7 फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, और 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ। तो ये मैं ले लेता हूँ बी एंड, और बी सिट 7 फ्रॉम वन ऑफ दैम, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर इधर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी, और के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो अगर मैं इधर ले लेता हूँ, एच और बी के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, ये एच आ गया, और के सिट थर्ड टू द सेकंड टू द राइट ऑफ एच, ये आ जाएगा, तो 3 ये एच, और के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। यहाँ पर मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, क्योंकि जो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद भी ये हो गया, 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड डी, हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एच और डी के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 और 3 ये डी आ गया, डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई बैठा हुआ है, 1 2 3 ये डी आ गया, 2 पर्सन सिट बिटवीन डी जी, हु डजंट सिट एडजेसेंट टू एच, डी और जी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो 1 2 जी आ गया, 1 2 जी आ गया। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एफ एज टू लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट ऑफ जी में जितने हैं उतना ही राइट ऑफ एफ में, के वाला हो गया, सी सिट सिट टू द राइट ऑफ के, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एफ सिट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, तो एफ आ गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एफ सिट एग्जैक्टली बिटवीन ये हो गया, जो एफ के इधर है 1 2 3 4 होंगे, तो जी के इधर भी 1 2 3 4 होंगे, 3 3 6, 3 9 3 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, हाउ मेनी पर्सन सिट 22, हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन के एंड एफ, के और एफ के बीच में बी बैठा हुआ है, तो बी आ गया, सिट फिफ्थ टू द, 1 मिनट मैं इसको, सिट फिफ्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, 1 2 3 4 5, जी बैठा हुआ है, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ के, तो 3 3 6 7 8 बैठे हुए हैं, तो 8 हो जाएगा, सिट्स नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ई हो जाएगा। ठीक है, आप बनाते हैं, ऑल हीट आर कूल, सारी सारी हीट कूल है, ईच कूल इज हॉट, प्रत्येक कूल जो है वो, अच्छा ये हीट है, प्रत्येक कूल है हॉट, ये हॉट है, और नो हॉट इज कोल्ड, कोई भी हॉट कोल्ड नहीं है, ये कूल है, सम कूल आर कोल्ड, कुछ कूल कोल्ड है नहीं पता, सम हॉट आर हीट, कुछ हॉट जो है वो हीट है, ये सही है, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो 2 हो गया। सम वाइट आर ब्लैक, कुछ वाइट ब्लैक है, सम ब्लैक आर येल्लो, ऑल येल्लो आर ब्लू, सारे सारा येल्लो जो है ये ब्लू है, तो सम वाइट आर येल्लो, कुछ वाइट येल्लो है नहीं पता, ऑल ब्लैक आर ब्लू, ऑल ब्लैक आर ब्लू नहीं पता,
सम ब्लू आर येलो, कुछ ब्लू जो है वो येलो है। हाँ कुछ ब्लू मुझे येलो दिख रहा है, ठीक है। सम ब्लू आर येलो, यस। तो ओनली थ्री हो जाएगा, ये रहा ओनली थ्री। ओनली बुक इज पेज, तो पेज जो है वो बुक हो जाएगा। नो बुक इज पेन, कोई भी पेन बुक नहीं है, ये पेज है। सम पेन इज डायरी, कुछ पेन जो है वो डायरी है, तो सम डायरी कैन बी बुक, कुछ डायरी जो है वो बुक हो सकती है क्या? सम डायरी कैन बी बुक हो सकती है, हाँ। नो पेज इज डायरी, कोई भी पेज डायरी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, बोथ आर करेक्ट। सिक्स पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सिटी से बिलोंग करते हैं। इसको बना लेते हैं, ये छः बंदे बैठे हैं। और सी हु डजेंट बिलोंग टू मुंबई और दिल्ली से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन बिलोंग टू पटना, द वन बिलोंग टू गुवाहाटी से डजेंट टू सी, द वन बिलोंग टू पुणे से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन बिलोंग टू मुंबई, बी डज नॉट से डजेंट टू द वन बिलोंग टू। टी से सी जाना है, तो टी से सी जाने के लिए टी से डब्ल्यू जाऊंगा, डब्ल्यू से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, सही हो जाएगा। जे से बी जाना है, तो जे से एस, एम और डब्ल्यू, डब्ल्यू से बी, जे से डब्ल्यू, डब्ल्यू से बी, ये भी सही है। एस से सी जाना है, तो एस से मैं जाऊंगा डब्ल्यू, डब्ल्यू से बी, बी से सी, ये भी सही हो जाएगा। तो सारे सही हो जाएंगे, ऑल आर ट्रू। ये क्या है, ये मुझे डेफिनेटली ट्रू रखना है। वाई से बी, तो वाई से एन जाने के लिए मुझे ये साइन चाहिए, और एन से बी जाने के लिए मुझे कुछ भी चलेगा इधर वाला। तो यहाँ पर हो जाना चाहिए, ये हो सकता है क्या, ये और ये तो नहीं होगा, ये और ये हो जाएगा, हाँ, क्योंकि पहले में ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, तो ये पहुँच जाएगा। ए से जे जाना है, तो ए से जाएंगे एम यू आर ओ, ओ से जे ना, ए से ओ, ओ से जे, पहला सही है। पी से जे जाना है, तो पी से जे नहीं जा सकते, ओनली वन सही। एट पर्सन हैव बर्थडे ऑन डिफरेंट डेज ऑफ डिफरेंट मंथ, बर्थडे ऑन ईच पर्सन 10 और 12 को, उनके पास में डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस भी हैं, ये बात है। शिवा स्टार्ट वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस, ये है हाउस, नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। विच इज एट पॉइंट एक्स फ्रॉम हिज हाउस, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, ये 15 मीटर, ये एक्स आ गया, लेफ्ट एंड वॉक अनदर 15 मीटर, ही टेन टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 20 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, ये इसका ऑफिस पॉइंट है। जेड शीना स्टार्ट, शीना चलिए तो शिवा था, उसके बाद शीना स्टार्ट वॉक फ्रॉम पॉइंट एक्स इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में, आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर, पाँच तो ये है, ये पाँच हो रहा है। शी 20 मीटर, शी टर्न्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ टर्न करती है, वॉक 15 मीटर। After that, Sina turns towards her left and walk 15 meter to reach coffee shop. ये coffee shop है, ये Y. So what is the shortest distance between Z and point Y? Z और Y की shortest distance. तो ये है 15 और 15, 30 यानी 900. और ये कितना है? ये 15 है, तो ये 5 हो गया. ये 20 और 5, 25, 625. 1525 जेडो वाई, तो ये 20 है, ये 15, ये 5 बजेगा, 25 को होता है 625, और ये हो गया 15 और 15, 30, 1525 ही है। He was done working in North Asia from his house which is at point X. अच्छा, हाउस जो है वो X पर है। अच्छा। After walking 15 meter he towards to his left and walk 15. Now he turned towards his right and walk 20 to reach point Z. Office आ गया। Sheena started walking from point X. Sheena यहाँ से चलना शुरू करती है। Point X in the south direction after walking 20 meter. ये 20 meter हो गया।
20 मीटर ही टर्न सर लेफ्ट एंड वॉक 15 आफ्टर दैट ही ना टर्न सर लेफ्ट एंड वॉक अनदर 15 फिर ये 20 है तो यहाँ 15 यहाँ ये आ गया कॉफी शॉप। अब मुझे जेड और वाई की डिस्टेंस बतानी है तो वाई रहेगा यहाँ पर जेड रहेगा ये डिस्टेंस है तो ये 15 है ये है 15 और 20 ये 35 हो गया 35 में से 15 जाएगा तो 20 बचे तो ये डिस्टेंस 20 होनी चाहिए ये 20 ऑलरेडी है तो ये 400 हो जाएगा और ये है 15 और ये कुछ बड़ा पड़ा देखते हैं आगे। एक्स इज विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट वाई ही ने स्टार्ट वर्किंग ऑन पॉइंट एक्स इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम दिस हाउस आफ्टर वर्किंग 20 मीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट ऑफ 15 मीटर आफ्टर दैट ही टर्न्स टू द लेफ्ट ऑफ 15 टू दिस कॉफी शॉप एंड बाय एक्स विच डायरेक्शन एक्स इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट वाई एक्स जो है वाई के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट सी इफ पॉइंट सी इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वाई एंड ईस्ट ऑफ पॉइंट जेड यहाँ कहीं व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी और जेड 30 10% वर्क इन कंप्लीट 10 डिफरेंट डेजिग्नेशन ए 1 2 3 4 नॉट लाइक सेम ऑर्डर टेंशन आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ए 1 इज द सीनियर मोस्ट ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 ये 10 जन होंगे एटमोस्ट मैक्सिमम 2% आर सीनियर टू आई तो मैक्सिमम 2% ही आई एस सीनियर है इसका मतलब मैक्सिमम आई से कोई सीनियर नहीं एक सीनियर है और दो सीनियर मैक्सिमम दो ही सीनियर जी इज 3 रेजोल्यूशन जूनियर टू आई जी आगे एक दो जी जी एज मैनी पर्सन सीनियर टू जी एज जूनियर टू ई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 A is 3 registration senior to E A 2 A 2 A 2 B is senior to A B is senior to A As many person senior to B as junior to D C is 2 registration senior to C C is 3 is J At least one person has the decision between E or C. F is senior to H. F is senior to H. और कम से कम एक person का designation है E और C के बीच में E और C के बीच में कम से कम एक person होना चाहिए मतलब यहाँ नहीं होगा C. तो C होगा यहाँ पर J होगा यहाँ पर F होगा यहाँ पर H होगा यहाँ पर ये हो गया यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ F is senior to H. तो A8 में कौन है H हाउ मेनी पर्सन सीनियर टू F F से सीनियर है 1 2 3 3% करेक्ट बताना है B सीनियर मोस्ट सही है डेजिग्नेशन ऑफ J इज 9 सही है 3% है डेजिग्नेशन बिटवीन आई एम सी ए दो तीन ये भी सही है ऑल आर करेक्ट 3 रेजिशन सीनियर टू एच तो 1 2 3 ई हो जाएगा हाउ मेनी पर्सन हैव रेजिशन बिटवीन ए और जे ये रहा जे 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं ए और जे के बीच में फैमिली कंसिस्ट टू मैरिड 9 मेंबर है डी इज द सन ऑफ ए हु इज मैरिड टू बी ए इज मैरिड टू बी सन ऑफ ए और डी इज द सन ऑफ ए डी इज द सन ऑफ ए अच्छा ए इज मैरिड टू बी ये कुछ आता पता था I is the brother-in-law of E who has no sibling. B is the only daughter of C. B is the only daughter of C. C who has 3 children. So C ke baaki sare bache boys honge. H is the granddaughter of C. H is the granddaughter of C. E is not a male member in the family. E is not the second generation. So E third generation. सेकेंड जनरेशन में तो फर्स्ट जनरेशन में हो सकता है इज नॉट अ मेल मेंबर तो ये फीमेल हो सकता है इस तरह से डी इज द सन ऑफ ए हु इज मैरिड टू बी आई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई आई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई
ई ओ एस नो सिबलिंग, ई के कोई सिबलिंग नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बी इज द ओनली डॉटर ऑफ सी, एच इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, एच इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, समझ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हाउ इज सी रिलेटेड टू द सन ऑफ ए, सन ऑफ ए कौन है लेना, उससे सी कैसे रिलेटेड है, ग्रैंड फादर, हाउ इज आई रिलेटेड टू जी, आई रिलेटेड टू जी, तो जी के लिए आई हो जाएगा अंकल, अंकल ही होना चाहिए, मैटर पैटर्नल अंकल, हाउ एच इज रिलेटेड टू द मुंडी सिस्टर ऑफ जी, मुंडी सिस्टर ऑफ जी, ये रहा एच कैसे रिलेटेड है, डॉक्टर है, 11 बॉक्सेस कंटेंस डिफरेंट आइटम्स, ये आइटम है बॉक्स, आई मीन मोबाइल इज प्लेस 3 बॉक्स अबाउट द स्वीट एंड नीदर ऑफ देम इज अ प्राइम नंबर बॉक्स, बॉक्स कंटेन इज एलिगेंट है, ई एल ई जी ए एन टी, ई एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ई एफ जी एच आई जी एच आई जे ई एल एन ओ पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई जी एच आई जे के ई एफ जी एल एम ए क्यू, यहाँ पर ये है, और एडमायर को ऐसे लिखा जाता है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, 6% मतलब 6% मैटर है, सी हु डज नॉट बिलोंग टू मुंबई और दिल्ली, सी जो है वो मुंबई से बिलोंग नहीं करता और दिल्ली से बिलोंग नहीं करता, 6 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन बिलोंग टू पटना, ये आ गया पटना, सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पटना 1 2 3, ये आ गया सी, ये पटना, ये सी, द वन बिलोंग्स टू गुवाहाटी सिट एडजेसेंट टू सी, गुवाहाटी, गुवाहाटी, द वन हु बिलोंग्स टू पुणे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई, तो ये मुंबई, इसके सेकंड लेफ्ट में पुणे है, बी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु बिलोंग्स टू पुणे, बी और पुणे साथ में नहीं है, डी डज नॉट बिलोंग टू पुणे और पटना, डी जो है वो पुणे से नहीं है और पटना से नहीं है, ई डज नॉट एडजेसेंट टू डी, ई जो है वो डी के साथ नहीं है, ई और डी साथ में नहीं है, ए डज नॉट बिलोंग टू पटना, ए डज नॉट बिलोंग टू पटना, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन बिलोंग टू गुवाहाटी, सेकंड टू द लेफ्ट गुवाहाटी, लेकिन ये तो पटना है ही नहीं, हटा देते को पटना कर देता हूँ, इसको गुवाहाटी कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ए, द वन बिलोंग टू मुंबई से एडजेसेंट टू ए, ए एडजेसेंट मुंबई, सी मुंबई नहीं है तो मुंबई आएगा ये, बी डज नॉट बिलोंग टू पुणे, बी जो है वो पुणे से नहीं है, बी जो है पुणे से नहीं है, मुंबई के सेकंड लेफ्ट में पुणे बैठा हुआ है, ये आ गया पुणे, बी यहाँ से नहीं है तो, और बी जो है वो पुणे के साथ में भी नहीं बैठा है तो बी यहाँ से भी नहीं हुआ, तो अब बी कहाँ से हुआ, तो बी हुआ यहाँ से, ठीक है, डी जो है वो पुणे और पटना से नहीं है, पुणे और पटना से डी नहीं है तो डी कहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ये हो गया काम, ये हो गया काम, ई और डी साथ में नहीं है तो ये आ गया यहाँ पर, तो ए बी सी डी ई और ये हो गया एफ, अब बच गया कौन, सी जो है वो मुंबई और दिल्ली से नहीं है, तो मुंबई से तो है नहीं लेकिन दिल्ली से भी नहीं है तो दिल्ली हो गया ये, और बचा कौन है, कटक बचा है तो कटक हो जाएगा ये, हो गया कंप्लीट, चलो वो बिलोंग टू पुणे, पुणे से एफ बिलोंग करता है, ए बिलोंग टू विच सिटी, दिल्ली, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू कटक एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, तो 1 2 3 4 वन पर्सन बैठे, 4 आ जाएगा, एक मिनट क्या हो गया, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बिलोंग्स टू कटक एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, 1 2 3 4 ये 4 ही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब ट्रू बता रहा है, नहीं फॉल्स बता रहा है, सी बिलोंग्स टू कटक ये सही है, डी बिलोंग्स टू गुवाहाटी ये सही है, ई बिलोंग्स टू पटना ये सही है,
बी बिलोंग्स टू मुंबई, ये भी सही है, और ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्या होगा, डी बिलोंग्स टू गुवाहाटी, ई बिलोंग्स टू पटना, वापस देखना पड़ेगा। सी मुंबई और दिल्ली से नहीं है, मुंबई के द वन बिलोंग्स टू पुणे, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई, डी नॉट बिलोंग टू पुणे और पटना, ही डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी, ये भी सही है, ए डज नॉट बिलोंग टू पटना, सही, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन बिलोंग्स टू गुवाहाटी, ये भी सही है, द वन बिलोंग्स टू मुंबई सिट एडजेसेंट टू ए, ये भी सही है, बी डज नॉट बिलोंग टू पुणे, ये भी सही है, सी, एक मिनट, ऑल आर करेक्ट है ना, अरे यार, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, ई दिल्ली, ई दिल्ली, सी पुणे, ए गुवाहाटी, बी कटक और ई मुंबई, ये क्या हुआ, ई मुंबई साथ में, बी कटक एक का गैप, ए गुवाहाटी एक का गैप, सी पुणे एक का गैप, ई दिल्ली एक का गैप, तो ई मुंबई साथ साथ है, ये क्या है, ये तो हो गया 8% जो है वो अलग अलग बैठे हैं, 8% जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो यहाँ पर 10 12 10 12 10 12 10 और 12, यू हैज बर्थडे ऑन 10th February, यू का बर्थडे आ गया, 1% बर्थडे बिटवीन यू एंड आर्स बर्थडे, आर का बर्थडे, यू का बर्थडे, आर का बर्थडे, द वन हुज बर्थडे ऑन 10th April हैज 63 बॉक्स, 10 अप्रैल, 63 अप्रैल मार्च जनवरी, टी हैज बर्थडे जस्ट आफ्टर बी इन द सेम मंथ बट नॉट इन कंटेनिंग 31 days, टी का बर्थडे जस्ट आफ्टर बी आता है, बी इन द सेम मंथ, दोनों का आता है 30 के मंथ में, तो 30 के मंथ में यहाँ पर फंस गया, 30 का मंथ मुझे पता नहीं, तो बी और डी आ जाएगा, डब्ल्यू हैज 81 बॉक्स एंड बर्थडे 12th ऑफ एनी मंथ, डब्ल्यू के पास 81 है और 12th ऑफ एनी मंथ 31, 12th, यहाँ 12th हो सकता है, यहाँ 12th हो सकता है, देखते हैं, डब्ल्यू 12th, एस हैज 4 बॉक्सेज लेसर देन दैट ऑफ यू, एक्स के बाद में पास में यू से 4 बॉक्सेज कम है, पी हैज 40 बॉक्सेज एंड हैज बर्थडे ऑन 12th January, पी 40, पी 40, यू एंड डब्ल्यू डू नॉट हैव बर्थडे इन द सेम मंथ, यू तो डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू 12 पे एक ही बचेगा, 81 आ गया, डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू 12 पे एक ही बचेगा, 81 आ गया, ये डर गया, ये हो गया, टी हैज बॉक्सेज इन द मल्टीपल ऑफ 3 बट मोर देन 20, टी हैज बॉक्सेज मोर देन 20 मल्टीपल ऑफ 3, टी के पास या तो 60, अच्छा 63 तो गया, 69 हो सकता है, या 81 भी गया, 69 हो गया, क्यू हैज बर्थडे बिफोर एस, क्यू का बर्थडे एस से पहले आता है, क्यू एस, एस डज नॉट हैव लोएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेज, तो एस के पास में 12 बॉक्सेज नहीं है, Q has more boxes than R. Q के पास में R से ज़्यादा बॉक्स है. The person having 50 boxes does not have birthday in February. 50 बॉक्स वाला यहाँ नहीं आएगा. तो 50 वाला कहाँ जा सकता है? यहाँ जा सकता है 50 और यहाँ जा सकता है 50. कौन कौन रह गए? 12, 16, 20, 40, 50, 81, ये सब. 50 यहाँ जाएगा, 50 यहाँ जाएगा, एस के पास 12 नहीं हो सकता, एस के पास 12 नहीं हो सकता, और क्यू के पास 8 से ज़्यादा होगा, अगर इसको 50 दे दूँ तो क्यू को मैं 50 दे देता हूँ, और ये क्या है, एक्स के पास में, एक्स, टी डब्ल्यू, एस हैज 4 बॉक्स लेसर देन दैट ऑफ यू, एस के पास में यू से 4 बॉक्स कम है, यू के पास कितने बॉक्स हैं, यू, एस के पास में यू से 4 कम होंगे, तो यू को मैं 20 देता हूँ, एस को 16 दे देता हूँ, और आर को मैं दे देता हूँ 12, फिर
फेब्रवरी में 12 नहीं है। द पर्सन हैविंग 50 बॉक्सेस डज नॉट बिलोंग टू फेब्रवरी ये हो गया। तो डब्ल्यू के जन्मदिन के बाद कितने व्यक्ति का जन्मदिन है? दो व्यक्ति का। हाउ मेनी बॉक्सेस डज क्यू हैव? 50। हाउ मेनी पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन आर एंड बीज बर्थडे? आर का बर्थडे और बी के बर्थडे में एक ही है। पी एस डब्ल्यू पी टी, पी एस डब्ल्यू पी टी। 12 12 12 12 वी जो है वो 10 पे। ये हो गया। फाइव शॉपकीपर 40% 2/5 30% 3/10 इंटू 1000 बराबर 20% एक्स अपॉन 5। 1 0 से 1 0 5 से 5 है 3 6 600। 12x माइनस 3/5 एक मिनट 12 6 72 720 बराबर 360। 720 हो जाएगा जुड़ जाएगा 0 8 7 3 10 12 9 108। 192 प्लस 48 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 56 × 7 तो ये हो जाएगा 7 8 56 8 6 48 चलिए 12 9 7 8 तो 2 8 4 और इधर क्या है x इंटू 7 6 8 100। ये इसका डबल है क्या? तो डबल है 20 आ जाएगा। एक मिनट 20 नहीं है ये 50 आ जाएगा। 98 × 82 माइनस 135 तो 12 में 10 करेंगे नहीं तो 24 × 27 इंटू ये 1200 12 600 तो 2 0 गए 700 माइनस कर दो 4 6 12 4 16 ये कितना है इसको निकाल लेता हूँ। 125 × 9 9 9 5 45 के 5 से लेके 4 12 में 108 4 112 प्लस ये क्या है ये 3x/5 बराबर ये है 80 × 80 तो 8 8 64 से लेके 6 8 64 6 70 प्लस 853 7 5 15 11 25 माइनस होगा तो 2 3 4 तीन से भाग बढ़ेंगे 3 × 3 13 3 4 12 3 4 12 इंटू 5 5 20 का 2 2 4 72 72 720 हो गया। x बराबर 25% का मतलब 1/4 इंटू 24 × 35 6 35 × 6 या 70 × 3 इसको देखते हैं। अरे अर्थमेटिक ये गया x बराबर प्लस माइनस 12 और y बराबर एक तो y 0 आ जाएगा एक 12 आ जाएगा प्लस का तो ये वैल्यू इन दोनों से बड़ी है लेकिन ये इससे छोटी हो गई थी ये जो है वो y इक्वल रहेगा ये क्या है 4x प्लस 7y बराबर 47 और 2 ये क्या है y की वैल्यू तो आ गई 5 तो 7 × 5 = 35 35 45 12 x के लिए 3 y बड़ा x बराबर यहाँ पर क्या है 8 है और y बराबर 5 है x बड़ा हो गया है ना ये हो गया प्लस 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 132 का मतलब होता है 11 12 × 11 और 180 का मतलब हो गया 15 × 12 ये वैल्यू मोन से बड़ी है ये y पे इक्वल है ये तो है ही नहीं कुछ भी तो ये क्या है इसको मैं बना लेता हूँ। पाई चार्ट में बोले फॉर द परसेंटेज एस्टिमेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड आरडीसी इन 5 डिफरेंट इयर्स टोटल नंबर ऑफ पीपल जिसने अटेंड किया वो हो गया 240 2010 11 12 13 14 15 ये हो गया 15 20 25 18 और ये क्या है 22
2010 और 13 में एडिशन में व्यक्ति की कुल संख्या 10 और 13 में कितना हो गया? संख्या में से क्रमशः इतने और इतने पुरुष थे। अच्छा, महिलाओं का अनुपात बता। 10 का मतलब हो गया ये, इसमें 20% पुरुष थे तो 80% महिलाएं थी, और 13 में 18 × 240, इसमें 25% पुरुष थे, 75% महिलाएं थी। यह आ गया 60, यह आ गया 3, 4 × 3 = 12, 0, 12 × 48 = 8, 4 × 12 = 24, 4 × 28 निकालना क्या है? रेशो निकालना है। 12 × 240 ये क्या हो गया? 18 × 60 × 3 है, 3 × 12, 4 से हो गया 15, और 6 × 24, 6 × 3 = 18, तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 40, 5 × 3 = 15, तो 3 × 9 = 8। 2012 में आरटीसी में उपलब्ध कुल व्यक्तियों में से 2000 पुरुष थे, 12 में कितने बनते? 25 जीरो, 25 × 100 = 0 होते हैं, 10 × 25 = 50, 10 = 60। इसमें से मेल और फीमेल, मेल थे 2000, फीमेल होगी 4000। 14 में आरडीसी में उपलब्ध व्यक्ति कुल संख्या 2012 में आरडीसी में उपलब्ध महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो 12 में 14 में आरडीसी में उपलब्ध व्यक्ति कुल संख्या 14 में कितनी हो गई? 0 × 14 = 48 × 4 × 14 = 48 = 52, तो ये गैप 1280 का है, महिलाओं से 40। ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 4 × 8 = 32%। 2010 और 12 में आर डी सी में उपस्थित व्यक्तियों की औसत संख्या 10 और 12 में कितना हो गया? 25, 35, 40, औसत निकाल लो क्या तो 20 आ गया। और 11 और 13 में उपस्थित व्यक्तियों की औसत संख्या 11 और 13 कितना हो गया? ये 10 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, 19 हो गया, तो गैप 1 का है। 1 कितना है? 240 है, 13 240। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड आरडीसी इन 2014, 12 और 14, 12 में और 14 में कितना हो गया? 5 × 2 = 7, 4, 240, 24 × 7 कितना होता है? 168, 16, 24 × 4 = 96, 2 × 6 = 12 का तो आंसर लगे 1, 111, 20, 28 क्या है? कुछ गड़बड़ है। 12 और 14 में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या का योग, तेरह 12 में 25 और 14 में 22, 5 × 2 = 7, 4 × 47 ही होगा, 24 × 7 = 168 तो होता है, 168 का 8 = 16, 24 × 6 = 6 और 6 = 12 का तो 1 × 10 = 11, 112 आएगा नहीं। द प्राइस ऑफ ईच टिकट फॉर आर डी सी इन 2011 वॉज 150 रुपया आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड आर डी सी इन 2011 25% हैड फ्री पास, टोटल अमाउंट कलेक्शन इन 2011, 2011 में 20 × 240 लोग हैं, उनमें से 25% के पास तो फ्री पास है, तो 75% का टिकट लगेगा, टिकट है 150 रुपये का, ये आ गया 60, ये हो गया 1200 × ये क्या नंबर है, तो 12 × 36 × 150, 0 0 0, 15 × 90 का जीरो आंसर लगे 9, 15 × 45 = 55, 54, ये रहा चौबा, ये क्या है? इसको मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद, इसको करता हूँ, ये करता हूँ। हाँ, शॉपकीपर टोटल नंबर ऑफ सिंक सोल्ड परसेंटेज बाय विच अंडर माउंट, टोटल नंबर ऑफ सिंक सोल्ड एंड परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ अंडर माउंट सिंक सोल्ड इज मोर देन नंबर ऑफ टॉप माउंट सिंक सोल्ड। अच्छा, दो टाइप के सिंक हैं, ए बी सी डी ई, ये आ गया टोटल 720, 376, 1056, 1472, 1300, परसेंटेज बाय विच अंडर माउंट, ये है अंडर माउंट, सिंग इज मोर देन द टॉप माउंट, ज़्यादा है। 40% का मतलब होता है, अगर ये 5 है तो ये 7 है, 35% का मतलब हो गया 7/20, ये 20 है तो ये 27 है, 20% का मतलब 5 है तो ये 6 है, 3 × 10 = 13, 3 × 5 है तो ये 8 है, 3 × 8 = 13 हो गया, तो ये 800 हो गया, ये 500 हो गया, ये 23 हो गया,
तेईस एकम तेईस, तेईस पंजे 115, 23 छक्के कितना होता है 138, 6 बढ़ जाएगा, 138 से 9, 23 चौक कर रहा, तो ये हो गया 640, 13 चौक 52 का 5, 13 छक्के 78, 78 ये 11 हो गया, तो 11 नौ 99, 6 पाँच 30 का जो मतलब 3, 9 पंजे 45, 46, 48, 6 छः 36 का 86 लगे 3, 9 छः 54, 55, 56, 57, ये क्या है, ये है 47, 376 जो एक हिस्से कटेगा 7 बटे 56, 56 का 86 लगे 5, 8 चौक 32 और 5 38, 8 से कट जाएगा, तो 8 का मतलब 8, सात पाँच 12, 12 छक्के 72, 6 सात 42, 6 पंजो 30। ए द्वारा भेजे गए टॉप माउंट सिंह की संख्या और बी द्वारा भेजे गए अंडर माउंट का अनुपात, तो 300 अनुपात 216, 5 छः 30, नहीं 6 पंजो 30, 6 3 18, 6 सात 36, 25 और 18। डी द्वारा भेजे गए अंडर माउंट सिंह की संख्या ई द्वारा भेजे गए टॉप माउंट सिंह के कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ई द्वारा भेजे गए टॉप माउंट, तो ये 332 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, 5 25, 5 6 30, 32, 5 6 30, 66 पॉइंट। ए और बी द्वारा भेजे गए अंडर माउंट की औसत संख्या, ए और बी का अंडर माउंट 6, 3, 6, तो 2, 1, 2, 212, 6, 6, 3, 6, से काटना है ना, 3 और 18 36, 318। सी और डी द्वारा भेजे गए टॉप माउंट की संख्या के बीच का अंतर, सी और डी द्वारा भेजे गए टॉप माउंट का डिफरेंस कितना है, 0 14 से 8 या 6 160। द नंबर ऑफ टॉप माउंट एंड अंडर माउंट सोल्ड बाय एफ इतना और इतना लेस देन द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कितना भेजा गया, और टॉप माउंट जो है वो इतना मोर है, 11 बटे 8 है, किससे, सी से, सी का टॉप माउंट का 8, 6, 660 हो गए, तो 32% लेस, 32% लेस का मतलब हो गया 78%, 68 बटे 100, 4, 4, 4, 4, 4, 28, 25, ई का मिक्सचर ए और बी कंटेन मिल्क एंड वाटर, द मिक्सचर ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली मिक्सचर सम मिक्सचर इज टेकन ऑन इन प्रीवियस विद सम क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बिकम्स 160, ये 5x है और ये 3x है, 25% का मतलब है 1/4, तो फाइंड द मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर, 50 30, तो इसमें से ये दिया हुआ शोर्स में, तो इसमें से 25% मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से 1/4 निकालूंगा, चार 50 निकालूंगा, तो 150 एक्स बचेगा, इसमें से भी 30 निकालूंगा,
समीकरणों का जो टोटल है वो 160 दिया हुआ है। जीरो 240 है बराबर 160, एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस इनिशियल क्वान्टिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इंटू 200। एक से एक जीरो जाएगा, चार से काटेंगे 416, 424 ये हो गया 800/6। तो 6 कम 6 बचेगा 20, 15 days, B can take 40% more time than A to complete the work. 40% more work than A, these into B, these में छह दिन जा रहा है, किस दिन लेता है? 105, 7 बार या 5 बार, both the work alternate starting with A, तो 80% work कितने दिन में complete होगा? 80% 5, 5 10, 5 5, 84, starting with A, 7 और 5 12 काम एक दिन होगा, तो 7 14 दिन हो जाएगा। ए और बी सी इन्वेस्ट करते हैं कितना, इतना इतना, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, 24 15 18, तो ये है 24 15 18, 3 8 24, 3 15 3 6 18, ये 3 मंथ के लिए, ये 6 मंथ के लिए, और ये 12 मंथ। तो 3 3 2 6 3 4 12, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4 4 2 5 5 6 12। टोटल प्रॉफिट ये है 4 5 9 12 और 9 21, डबल जीरो। बी का प्रॉफिट शायद 5 21 24 84, 14 70, 7 ये रेट आने को मिलने के बाद एयरपोर्ट कवर 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में इतना, और एक्स प्लस वाई बराबर 8 8 24 8 40, एनी डेज इतना आवर टू कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 64 × 10 = 5। द स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच परसेंटेज, स्पीड ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर 20 और वाई की वैल्यू यहाँ पर आएगी 15, तो स्पीड ऑफ करंट इज हाउ परसेंटेज लेस एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ वाटर, 25%। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 27 मीटर मोर देन इज लेफ्ट लेंथ ऑफ लेफ्ट थ्रू ही एक्स, ये भी एक्स प्लस 7। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगल फील्ड द रेट ऑफ इतना इज इतना, 207 45 × 10, तो 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 9 18 9 27 23, तो 23 ही हो गया, जो है ये हो गया 2x + 7 = 23, 2x = 7 जाएगा 16x = 8। फाइनल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड ये हो गया 8 8 7 15 15 120। गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इतना एट 24% पर एनम और इतना 20% पर एनम, बोथ द सिंपल इंटरेस्ट टू ईयर रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो एक्स प्लस 500 को 24 की रेट पर और x माइनस 500 को 20 की रेट पर, दो दो साल सब कट ही जाएगा, बोथ का रेशो दो अनुपात एक हो गया, तो उसे काटने का 12 आ गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3x + 1500 = 4x - 2000, तो ये आएगा x बराबर 3500, तो वैल्यू ऑफ x 3500 नहीं 520। इतना 24% पर एनम एंड इतना 20% पर एनम, एक्स प्लस 500 इंटू 24 अपॉन 100, तो फिर हो जाएगा, तो कट हो जाएगा एक्स माइनस 500 इंटरेस्ट 20% पर एनम, दो अनुपात एक है, जैसे कट अब 12 3, ये 5 आएगा, 5x - 25, ये हो जाएगा 2x = 25 35 40
मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 मोर देन इस कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस के लिए 100x, मार्क प्राइस हो गया 100x प्लस 600. आफ्टर गिविंग डिस्काउंट इतना रुपया एंड 100x प्लस 600 ये क्या 7/8 का डिस्काउंट दिया. देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 125x. तो ये हो जाएगा कितना, 500,000x. ये हो गया 700x प्लस 4500, ये हो जाएगा 300x बराबर 4500 के बिना 14. फाइनल डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंट कितना लगेगा, तो ये मार्क प्राइस हो जाएगा 14,600. 250 आएगा है, लगाते लगाते निकल जाता है. कोई ना, तो रीजनिंग में 31 है, क्वांट में 23 पॉइंट ज्यादा है, काफी ज्यादा गलत हो गया. तो रिजल्ट आएगा 2 तारीख को, बाकी आप भी बताना आपका कैसा रहा. ठीक है.